तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैबक टेक में। अपने चैनल में टेक और गेमिंग्स वीडियो लाते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए लाए एक बेहतरीन, शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक मास्क की मदद से, मुश्किल से 1 रुपए में आप कैसे माइक बना सकते हैं एक मास्क की मदद से। तो अगर वीडियो आपको आगे अच्छा लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने कमेंट में अपने सवालों को छोड़िएगा, उसका आंसर मैं जरूर दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम आपको इसमें दिखाते हैं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक अच्छी क्वालिटी का, अगर आपके पास ईयरफोन है, अगर आपके टूटा हुआ है या कोई भी क्वालिटी का ईयरफोन हो बस, लेकिन वो काम करता हो उसका माइक्रोफोन, सबसे अहम बात ये है इसमें, उसको लेते हैं। उसके बाद हम लेते हैं एक टेप, घर में मिल जाएगा आपको आसानी के साथ टेप फेविक्विक, अगर ना हो तो आप रबड़ भी यूज कर सकते हैं फेविक्विक, लेकिन ज़रूरी है। उसके बाद आप एक मास्क ले सकते हैं जिसका यूज आप कर चुके होंगे, जी हाँ, जिसका यूज आपने ही किया होगा, किसी और ने नहीं, आपने ही, क्योंकि इसमें COVID-19 चल रहा है। और एक पेन ले लीजिए, जिसकी कैप आप ले लीजिए, पेन को, अगर पेन जो आप यूज करते हैं ख़त्म होने के बाद उसका इंक जिसमें, तो आप कैप ले लीजिए, पेन को हटा दीजिए। तो हम पेन को हटा देते हैं। इसके बाद एक नाइफ, चाकू जिसको बोलते हैं, चाकू, इसको आप ले सकते हैं। आपके पास कटर हो तो आप और अच्छा, मेरे पास इसमें नाइफ है तो मैं नाइफ यूज करूँगा। इसके बाद आप ले सकते हैं एक कैंची काटने के लिए जिसका यूज होगा। तो सबसे पहले हम करते हैं अपने माइक, जो ईयरफोन का जिसमें सिस्टम लगा हुआ आगे, जहाँ ईयर लगा होता है माइक्रोफोन, उसको निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम उसी को हटाएंगे, उसके बाद उसमें दिखाएंगे आपको कहाँ पर मिल सकता है आपको माइक्रोफोन आपका। इसके लिए आपको सिंपली मैं उसे हटाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो मैं निकाल लूँ पहले इसे, नाइफ से इसको हटा दूँ, इसका कवर हटाऊँ, उसके बाद इसमें आपको अंदर आसानी के साथ मिल सकता है वो। वीडियो अगर आपको अभी तक अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का लाइक एम 4 लाइकें मैंने रखा हुआ है। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और स्किप ना कीजिएगा वीडियो, तो इसको हटा लें। उसके बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली हो चुका है इसका माइक्रोफोन, सिर्फ तो है इसमें। तो अब हम इसको लेते हैं, इसके ऊपर की तरफ एक छेद करते हैं, बड़ा हुआ वाला छेद कुछ रहे जिससे ये, तो सबसे पहले हम इसमें काटते हैं इसको, इसमें एक होल करना होगा जिससे ये आसानी के साथ हमारी आवाज़ वॉइस अंदर जा सके। तो हम इसमें करते हैं पहले, उसके बाद आपको दिखाते हैं। इसमें सिंपली कुछ प्रोसेस हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, इसमें ऐसे स्टेप बाई स्टेप करना है। अगर वीडियो में आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप हमारी इंस्टाग्राम ID habaktech01 पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा, कमेंट में भी आपका आंसर दूंगा। तो पहले मैं इसका होल सही कर लूँ, होल अगर बड़ा रहेगा तो ही ये अच्छे से इसमें वॉइस जा पाएगी और अच्छे से फिट हो पाएगा। ये एक प्रोफेशनल माइक आपके लिए बनेगा, जिससे आप आसानी के साथ कैप जिसमें होता है उसको लगा सकते हैं अपने टी शर्ट में, उसके बाद आसानी के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं विदाउट कोई प्रॉब्लम। 100, 150, 300, 400 के माइक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपके पास एक ईयरफोन है तो, जी हाँ। तो सबसे पहले हम इसका होल सही कर लें, होल सही कर लें तो उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे वीडियो में प्रोसेस बाई प्रोसेस क्या करना है इसमें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका होल ज़्यादातर सही हो चुका है। अब हम इसमें अपना वो डालते हैं, इसका सिस्टम जो है, जो इसमें इसका माइक्रोफोन का जो मेन है ईयरफोन का, उसके बाद आपको दिखाते हैं इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं माइक्रोफोन, ये देखिए ऐसे आप इसको डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा फेविक्विक डालना होगा तभी ये अच्छे से हो पाएगा। तो फेविक्विक डालेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर हटा सकते हैं इसका जो है वो का जिसमें लगा हुआ है इसका फ़िल्टर, पूरा लगा दीजिए। अब मैं फ़िल्टर नहीं हटाऊंगा वैसे कर रहा हूँ, तो मैं इसको मैं डालता हूँ अब फेविक्विक, उसके बाद इसको चिपका दूँगा। अंदर चिपकने के बाद ये हटेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम फेविक्विक को काट लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। काटने के बाद उसमें निकालते हैं फेविक्विक, उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे इसमें क्या करना है। सिंपली प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास घर में जो सामान होगा उससे आप बना सकते हैं माइक और अच्छा बना सकते हैं। अगर इसका आपको सेकंड वर्जन चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, उसमें मैं आपको और अच्छे तरह से प्रोफेशनल और अच्छा माइक चाहिए उसका मैं बताऊंगा आपको। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसको लगाते हैं, उसके बाद आपको हम इसमें फेविक्विक थोड़ा डालना होगा क्योंकि तभी ये चिपकेगा अंदर, नहीं तो ये बाहर हो जाएगा। तो सिंपली हम इसमें फेविक्विक डालने के बाद आपको दिखाते हैं फेविक्विक अंदर से, ये ऐसा करिए जिससे उसके माइक्रोफोन पे फेविक्विक ना जाए।
बाहर ही रहे और चिपक जाए वो आराम से, क्योंकि फेविक्विक और बचा के यूज़ कीजिएगा फेविक्विक, क्योंकि बहुत हार्ड होता है, आँखों में चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आराम से यूज कीजिएगा और अंदर फेविक्विक डालते हुए ध्यान दीजिएगा कि आपका माइक्रोफोन दबे नहीं या उस माइक्रोफोन पे आपका फेविक्विक जाए नहीं, क्योंकि अगर चला गया तो आवाज़ आनी बंद हो जाएगी उसमें। इसमें जब वीडियो जो मैं इस रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये इसी माइक से है जिसको मैंने बनाया हुआ है। आप आवाज़ देख ही सकते हैं कितनी प्रोफेशनल आ रही है, कोई खिच पिच की कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो थोड़ी देर रुकते हैं, इसको चिपकने देते हैं अंदर बाहर दो अच्छी तरह से। चिपकाने के बाद तभी हम इसका इस पर और कुछ यूज करेंगे। तो नीचे की तरफ से थोड़ा चिपकाना होगा, क्योंकि अगर नीचे की तरफ से नहीं चिपकाए तो निकल जाएगा ये। तो हम नीचे की तरफ से हल्का सा चिपका दें, उसके बाद आपको दिखाते हैं। जब तक ये चिपक ना जाए तब तक इसमें कोई छेड़खानी ना कीजिएगा, क्योंकि अगर ये चिपकेगा नहीं तो तुरंत बाहर हो जाएगा, और बाहर हो जाएगा तो आपका सभी जितना पूरा सिस्टम है सब फेल हो जाएगा। पहले हम अच्छे से इसमें फेविक्विक डाल दें जिससे ये कि अच्छे से चिपके थोड़ा इसमें। उसके बाद आपको हम दिखाते हैं इसमें करना क्या है। अच्छे से फेविक्विक जब तक आप पूरा श्योर कर लें कि अच्छे से चिपक जाएगा तभी इसको हटाएं, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी हटा तो ये आपके लिए आपका ख़राब हो सकता है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, तभी ये तुरंत बाहर हो जाएगा। ये होने के बाद इसको चिपकने के लिए रखते हैं और हम चलते हैं अपने मेन काम, जो कि इसमें मास्क के लिए जो काम है, जो सबसे ज़रूरी है, उसको हम यूज करने के लिए रखते हैं। जब ये अच्छे से तब तक चिपक जाएगा, अच्छे से इसमें अंदर हो जाएगा, अच्छे से लग जाएगा, तो मास्क को हम इसी के बराबर काटते हैं। सिंपली मास्क लेते हैं, मास्क को हम कैंची की मदद से अच्छे से काटते हैं इसके बराबर जितना इसकी गोलाई होगी। तो सबसे पहले हम इसको काटते हैं अच्छे से, उसके बाद आपको दिखाते हैं इसमें करना क्या है। तो हम इसको गोल या चौकोर जो नुमा आपको अच्छा लगे काट सकते हैं, जिससे आपको कंफर्टेबली लग सके आपके उसमें। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, जितनी आसानी के साथ ये लग जाएगा उतनी ही काटिएगा, क्योंकि ज़्यादा यूज करेंगे तो ज़्यादा अंग बाहर होगा और उसको आप लगा नहीं पाएंगे अच्छे से। तो इसको आसानी के साथ आप पहना सकते हैं। हम इसको अपने इसमें लगाते हैं, फेविक्विक अब चिपक चुका होगा तो हम इसको लगाते हैं। पहले थोड़ा ध्यान देना होगा इसमें, क्योंकि ये फेविक्विक इसमें हमें लगता है अभी चिपका नहीं, ये पकड़ ले रहा है मेरे मास्क के कपड़े को। थ्री लेयर है ये, तो आसानी के साथ चिपक लग जाएगा ये। थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि ये फेविक्विक चिपका हुआ नहीं है, अभी ये चिपक जा रहा है मेरे मास्क में। एक बार लग जाए उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं लेकिन कोई बात नहीं, अंदर चला गया, अभी हम इसको लगा देते हैं। इसमें आपको यूज करना होगा रबड़ एक, अगर आपके पास रबड़ है तो ठीक है, नहीं है तो इसका भी जुगाड़ हमारे पास है, आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। अब इसमें आप रबड़ का यूज कर सकते हैं, फेविक्विक का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास रबड़ नहीं है इस समय तो आप एक और चीज़ का यूज कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं आप मास्क के रबड़ का यूज आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली इसको काटना होगा, ये काटने के बाद आप इसको लगा सकते हैं अपने मास्क में, अपने माइक्रोफोन में लगाएंगे तो ये पूरी तरह से बांध लेगा इसको। तो हम इसको लगाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। लेकिन ये ऐसा लगाइएगा जिससे उसके जो पेन की कुप्पी का वो होता है, जिस फंसता है जो हमारी पॉकेट में, वो ना ढके, सिर्फ वो बाहर रहे, जिससे वो हमारे टी शर्ट में फंसा दिया जाए आसानी से। तो इसके लिए सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, कुछ प्रोसेस है। तो हम इसको लगा देते हैं आसानी के साथ, ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसको लगा दूं उसके बाद आपको दिखाता हूँ। इसको बांधना पड़ता है, थोड़ा दिक्कत होती है इसलिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसमें आपको बांधना पड़ेगा, थोड़ी दिक्कत होती है बांधने में, क्योंकि ये दिक्कत करता है इसलिए, क्योंकि ये फेविक्विक अभी चिपका हुआ नहीं ना, इसीलिए दिक्कत कर रहा है, नहीं तो अब चिपक जाएगा। अगर आप छोड़ सकते हैं, एक दो मिनट छोड़ देंगे फेविक्विक लगाने के बाद, आसानी के साथ चिपक जाएगा ये। तो हम इसको बांधते हैं, हमारा लग चुका है लगभग। बांधने के बाद आपको दिखाते हैं इसमें हम, बांधने में दिक्कत कर रहा है क्योंकि ये सबसे पहले हम बांधते हैं इसको, बांधने में दिक्कत कर रहा है थोड़ी, क्योंकि ये फेविक्विक चिपका नहीं। कितनी बार मैं आपको बता रहा हूँ फेविक्विक चिपका नहीं, जी हाँ फेविक्विक इसका चिपक नहीं रहा है, क्योंकि दिक्कत कर रहा है फेविक्विक, अभी हमारे हाथ में चिपक जा रहा है। बांध लिया हूँ मैं इसको लगभग, उसके लिए से एक दो सेकंड और लगेंगे, आपका माइक तैयार हो जाएगा, प्रोफेशनल माइक
इसका यूज आप YouTube में कर सकते हैं या म्यूजिक रिकॉर्ड करने के लिए कर सकते हैं। किसी भर में इसका यूज आप आसानी के साथ कर सकते हैं। प्रोफेशनल काम होगा ये आपके लिए, देख सकते हैं। थोड़ा सा बचा हुआ देख पूरी तरह से चिपक चुका है, इसमें इसका कट कर देते हैं। जितने से निकला हुआ है भाग उसको हम कट कर देते हैं रबड़ का, और इस जो इसमें मास्क कट ज़्यादा हो गया उसको भी मास्क सब पूरा गुलाई में कर देते हैं इसको, जिससे दिक्कत ना हो। अच्छे से काट देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं पूरी तरह से कट चुका है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। यहाँ पर हम फेविक्विक डाल देते हैं हल्का सा। फेविक्विक का यूज बहुत आराम से और बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि अगर गलत जगह फेविक्विक गिरा तो ये पूरी तरह से चिपका लेगा। तो मैं इसको चिपका दूँ पहले, उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसमें क्या तैयार हुआ है। माइक अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। इसमें वीडियो मैं उसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपनी माइक से जो मैंने बनाया हुआ है। तो मैं चिपका दूँ पहले अच्छी तरह से उसको, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी। देख सकते हैं आप पूरी तरह से माइक तैयार है। पीछे की तरफ से थोड़ा खुला हुआ है, यहाँ पर हम थोड़ा सा अपना काट के डाल सकते हैं, जिससे आवाज़ कहीं से जाए ना, फिल्टर होकर आवाज़ जाए जो जाए। तो थोड़ा सा हम पीछे से डाल देते हैं जिससे पूरी तरह से ढक जाए। कैंची से अंदर कर देते हैं इसको। अंदर करने के बाद आपको दिखाते हैं कि माइक मेरा जो अंत में जो तैयार होकर निकला हुआ है, जो चीज़ जिसके लिए हम लोगों ने लगभग कितनी मेहनत की है, वो अंतिम चीज़ आपको हम दिखाते हैं। देख सकते हैं आप माइक पूरी तरह से तैयार हो चुका है। हुक इसके अलावा वो देखिए, मैंने हुक नहीं ढका हुआ है इसका। आप हुक अपने टी शर्ट में ऐसे फंसा सकते हैं आसानी के साथ और यूज कर सकते हैं। इसी हुक के बारे में बता रहा हूँ, तो कि ये हुक पर ढकना ना पाए। तो पूरी तरह से माइक तैयार हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको आगे अच्छा लगा हो, इसमें कुछ प्रोसेस हैं, कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसी लाइक के लिए मैंने सब कुछ किया है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम ID @havoctech01 पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आप मेरे फेसबुक पेज टीम हैवक पे जुड़ सकते हैं, वहाँ से मैं आपके आंसर दूंगा आपके क्वेश्चन का। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।